कंचन डोगरा बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के कल्याण की इस खबर के साथ, जहां पर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहां एक ऑटो वाले से एक महिला पुलिसकर्मी को अपनी गाड़ी से दूर तक घसीटती हुई तस्वीरें सामने आई हैं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये ऑटो वाला किस कदर इस महिला पुलिसकर्मी को सड़क पर अपनी गाड़ी से घसीटता है। वहां मौजूद लोगों की जैसे ही इस पर नजर पड़ती है, उन्होंने ऑटो वाले का पीछा किया, ऑटो वाले को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी गई और फिर बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। महिला पुलिसकर्मी का कसूर सिर्फ और सिर्फ इतना था कि उसने उस ऑटो वाले से लाइसेंस मांगा था और पुलिस ने ऑटो वाले को अब गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे की आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र के कल्याण की तस्वीरें हैं। ये देखिए किस तरह से ये ऑटो वाला जो है ये महिला पुलिसकर्मी को अपने ऑटो से घसीटता हुआ ले जाता है। अब देखिए दो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वही ऑटो वाला है जिसे पुलिस ने धर दबोचा है। पहले स्थानीय लोग जो थे उन्होंने इसको जमकर पीटा और उसके बाद इसको पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरी तस्वीर में आप देखिए वही ऑटो है ये रिक्शा चालक जिसने इस पुलिसकर्मी ने जब इससे लाइसेंस मांगा तो उसने लाइसेंस दिखाने की बजाय वहां से भागना सही समझा और पुलिस ने जब उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसने महिला पुलिसकर्मी को ऑटो के साथ में ही घसीटता हुआ इन तस्वीरों में कैद हो गया। मैंने देखा है कि मतलब लेफ्ट साइड से कोई तो भी रिक्शा वाला एक ट्रैफिक पुलिस लेडीज उनको खींचते हुए कम से कम 150 या 200 फुट उसने खींचते हुए लेके गया। बाद में फिर आगे जाके उन्होंने पुलिस वालों ने उनको रुकाया और वो आदमी को पकड़ लिया। और इस खबर में मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से, मुंबई से हमारे साथ। अभिषेक, इस पूरी खबर पर एक्शन तो अब जहर से बात ले ही लिया गया हो पुलिस की तरफ से क्योंकि पुलिस ने उसको धर दबोचा है, लेकिन ये खबर समझना चाहेंगे आपसे कि ऐसा क्या हो गया कि इस ऑटो वाले ने पुलिस वाली महिला को ही ऑटो से घसीटना सही समझा। बिल्कुल, देखिए ऑटो वाले दादागिरी साफ साफ देखी आ सकती है पूरे मामले पर। एक कारण साफ है कि देखिए ऑटो वालों को यहाँ पर वर्दी दिया गया है यानी ड्रेस कोड दिया गया है। ड्रेस कोड पहनकर ही उन्हें ऑटो चलाना होता है, यह साफ तौर पर एक ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से सुनिश्चित किया गया है। लेकिन इस रिक्शा वाले ने ड्रेस नहीं पहना था, उसी ड्रेस की वजह से इस महिला जो पुलिस कांस्टेबल है ट्रैफिक की, उन्होंने उसे उसका लाइसेंस मांगा। लाइसेंस नहीं देने की वजह से उसे लगा कि नहीं हमको पकड़ा जाएगा और मेरा लाइसेंस रद्द हो जाएगा या मुझे चार्ज भरना पड़ेगा, इसलिए वो रिक्शा लेकर भागने लगा। और उसी वक्त उस रिक्शा पर वह महिला कांस्टेबल ने हाथ रखा हुआ था और हाथ उनका उसका उस पर फंस गया। उसके वजह से वह कई जब लेकर भागने लगा तो वह उससे फंसने की वजह से लंबे दूर तक घसीटा लेकर चला गया। ताज्जुब यह होता है कि जब उसे पता है कि वर्दी में महिला पुलिस कांस्टेबल है और हमारे पास अगर मैं गलती है तो पुलिस को लाइसेंस देने के बजाय इस तरह से घसीटना साफ साफ कानून का उल्लंघन है। लेकिन यह शुक्र है कि यहाँ पर जब जिस जगह पर हुआ वहां तमाम लोग मौजूद थे, भीड़ भाड़ इलाका था, लोगों ने लपक कर कसते उसे पकड़ा और उसे जमकर उसे धुनाई भी की, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया है। लेकिन मामला एक लाइन में कहे तो साफ यह है कि सिर्फ इसलिए छोटी सी बात पर वह भागने का फिराक में था कि उसने वर्दी नहीं पहनी थी और वर्दी नहीं पहनने की वजह से उस महिला कांस्टेबल ने उसे जब लाइसेंस मांगा तो लाइसेंस नहीं देने की वजह से वह भागने लगा और इस महिला को साफ तौर पर अभिषेक इस बात को समझा जा सकता है कि गुंडागर्दी दादागर्दी है इस ऑटो वाले की। एक तो गलती ऊपर से सीना जोड़ी बजाय के माफी मांगने की, माफी मांग सकता था ये कि चलिए यूनिफॉर्म नहीं पहनी है, वहां से भागना क्राइम करना इसने ठीक समझा। अब आगे पुलिस की कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ रही है अभिषेक? देखिए पुलिस ने इस ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया है। ड्राइवर अरेस्ट करने के बाद सबसे बड़ा तो यह होगा कि जिस तरह से एक सरकारी जो अधिकारी यानी पुलिस है उनके ड्यूटी के दौरान उनको ऊपर हमला करने का प्रयास किया, जान से मारने का प्रयास किया गया है, इसलिए पुलिस इस पर मामले गंभीरता से लेते हुए पूरी तरह जांच पड़ताल कर रही है और उसके ऊपर उस तरीके से मामले भी दर्ज कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस इस पूरे मामले पर और ज्यादा सतर्क दिखाई पड़ रही है और ज्यादा कड़ाई से पेश आ रही है क्योंकि जिस एरिया में घटना हुई है उस एरिया में पुलिस अब और अपनी क्या कहते हैं गश्त बढ़ा दिए और ट्रैफिक हवलदार जो होते हैं और लगा दिया गया ताकि ऐसी अगर कोई अनहोनी हो तो ना हो। लेकिन आपको ये भी बता दूं आपको मुंबई में ऐसी घटनाएं पहली बार नहीं है, कई बार देखी जा चुकी है कि ट्रैफिक हवलदार
जब चाहे ड्रंकन ड्राइव का मामला हो, जब दारू पी के लोग गाड़ी चलाते हैं उस वक्त लोगों को रोकने का प्रयास होता है, उनके ऊपर गाड़ी लोग चढ़ा देते हैं। ऐसे कई सारे मामले सामने आए हैं और कई ऐसे पुलिस वाले हैं जो जिनकी थे। और जाहिर सी बात है, इस ऑटो वाले की गुंडागर्दी को समझा जा सकता है इन तस्वीरों के जरिए ही कि कैसे इसने यूनिफॉर्म ना पहनने के बाद जब लाइसेंस इससे मांगा गया तो इसने पुलिसकर्मी को इस तरह से ऑटो से घसीटना ठीक समझा।